एक छोटे से गांव सिंहासन से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर सीकर की धरा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रखने के सपने को साकार करने के लिए शंकरलाल बगड़िया ने वर्ष 2007 में नवजीवन रूपी एक शिक्षा का बीज बोया। शुरुआती दौर में टिन शेड में नवजीवन साइंस स्कूल में बच्चों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाकर शंकरलाल बगड़िया ने शेखावटी ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में नवजीवन रूपी बीज को एक वट वृक्ष के रूप में फैलाकर शिक्षा के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें वर्ष 2016 में एक साथ 5 मेरिट लाकर नवजीवन ने एक इतिहास रच दिया। इसी के साथ बोर्ड मेडल वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक और विज्ञान वर्ग में सर्वाधिक 38 राज्य स्तरीय बोर्ड मेरिट दी। 1205 विद्यार्थी 90% से अधिक विज्ञान वर्ग में सर्वाधिक रहे और यह संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती ही चली गई। वर्ष 2015 में नवजीवन की एक अन्य शाखा नवजीवन विज्ञान महाविद्यालय, जिसमें कृतिका ने विज्ञान संकाय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नवजीवन का नाम गौरवान्वित किया। अब नवजीवन से लोगों की उम्मीदें और बढ़ने लगी। सभी के आह्वान पर नवजीवन ने डिफेंस में कदम रखा। नवजीवन डिफेंस एकेडमी के विद्यार्थियों ने एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में अधिकतम सिलेक्शन देते हुए अपने माता पिता और नवजीवन और देश का नाम रोशन किया। वर्ष 2017 में नवजीवन ने आईआईटी के क्षेत्र में कौटिल्य आईआईटी एकेडमी स्थापित की, जिसमें वर्ष 2019 यश शर्मा, आयुष शर्मा व 2021 में मनन सिंघल ने अपने जोश और जिद से आईआईटी में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। कौटिल्य ने अब तक देश को 500 प्लस आईआईटीएन दिए हैं। बच्चों में शुरुआत से ही ज्ञान की नींव मजबूत हो, इसी उद्देश्य को लेकर शंकरलाल बगड़िया ने महाराज रतिनाथ जी व पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक जी के पावन सानिध्य में नवजीवन CBSE का वर्ष 2022 में दिनांक 27 फरवरी को शुभारंभ किया। संस्थान ने अभी तक देश को विभिन्न प्रशासनिक सेवा अधिकारी दिए हैं, जिनमें IAS सोहनलाल, IAS विकास कुमार, IPS विक्रम सिहाग, RAS हुक्मी चंद रुलानिया, RAS शिव कुमार गुप्ता, RAS बुधराम, RPS नारायण बाजिया और IFS रामकृष्ण सारण आदि नाम प्रमुख हैं। नवजीवन ने अपने नाम को सार्थक करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में नया जीवन देने की प्रेरणा दी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मजबूत इरादों को लिए हम आसमान पे चढ़े थे, मजबूत इरादों को लिए हम आसमान पे चढ़े थे, सपने हमेशा हमारी औकात से बड़े थे। धन्यवाद।